कल्याण उसी बात से होता है जिस बात पर आपको विश्वास होता है, जिस पे आपको भरोसा होता है, जिस वाक्य पर आप भरोसा कर लेते हैं, जिस गुरु पर आप भरोसा कर लेते हैं। अगर भरोसा मजबूत है, पक्का है, तो एक वाक्य ही आपका बेड़ा पार कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब विश्वास तुम्हारा किस पे है, इस बात पर आपको ध्यान देना कि आखिर हमारा विश्वास किस पे है। मेरा अभिप्राय, जो संत जो कहते हैं, अगर आपको पक्का भरोसा उन पर है, वो कुछ भी, कोई कहते निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है राम को भजो, कोई कहता है हनुमान जी को भजो, कोई कहता है माँ कामाक्षा को भजो, कोई कहता है शिव जी को भजो, कोई कहता है हनुमान जी को भजो, कोई कहता है वो तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, कोई कहता है हमारे यहाँ तो आकार वाला है, कैसा है, बंसी बजाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के। कौन है बोले बंसी बजाने वाला, घनश्याम? तो जिसके आकार नहीं वो बंसी कैसे बजा रहा है? इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधा सा है, भगवान भगत के बस में है, और भक्त जिस भाव से भगवान को पुकारता है, चाहे वो निराकार के रूप में पुकारे, चाहे साकार के रूप में, निर्गुण निराकार हो, सगुण साकार हो, किसी भी रूप में आप भगवान को बुलाओगे तो भगवान तुरंत अवश्य वहां पर पहुंच जाएंगे और उस भक्त की मनवांछित इच्छा को पूर्ण करेंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।